तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आने वाला है जैसा कि आज हम यहां से देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाना है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हो इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो देख सकते हो टोटली ए टू जेड क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपका इसी प्रकार का होगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरी तरह से समझ लें। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा उड़ीसा राज्य में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा 15%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा यमुना नदी पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये कथन है मेटरनिक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सिंगली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1956 में। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर ये आ जाएगा आपका, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं इसलिए इसमें देरी होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको किस प्रकार से कर लेनी है, के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो देखिएगा किसके नेतृत्व में पूर्ण हुआ था, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बिस्मार्क के नेतृत्व में ये पूर्ण हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत सत्ता की साझेदारी की आत्मा है। तो देखिएगा सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है, यहाँ से आप लोग लिख लें, ये सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत विश्व में का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसका उत्पादक है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक है। तो देखिएगा ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 130वां है, कौन सा, 130वां। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतक को औद्योगिक चेतक भी कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों द्वितीयक चेतक को औद्योगिक चेतक भी कहा जाता है, तो यहाँ से आपको द्वितीयक लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर किल द्वारा ले जाया जाता है? तो देखिएगा किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा पाइपलाइन के द्वारा इसको ले जाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख लें, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। निम्नलिखित की सही जोड़ी किस प्रकार से आपको बना लेनी है, तो देखिएगा पहले नंबर पर जो लिखा है रोलट एक्ट, इसकी जोड़ी 1919 से मिला लें। भारत में वैश्वीकरण दूसरे नंबर की, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग 1991 से कर लेंगे। उसके बाद में निजी क्षेत्र तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो इसका जोड़ी का मिलान आपको 4 नंबर से कर लेना है। उसके बाद में समवर्ती सूची, देखिएगा समवर्ती सूची में क्या शामिल होगा, आपकी शिक्षा और ज्वारी पत्तन कौन सा है, पांडला हो जाएगा। और इसके अलावा भारत में लिंगानुपात 919 है। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा देख लें और इसको समझ लेने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम सत्य असत्य को देखते हैं, तो सत्य असत्य किस प्रकार से आपको पूरा करने होंगे आप लोग यहाँ से मिला लें और देख लें। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लोकतांत्रिक शासन में, यहाँ से इसके पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला
भारत में एल्युमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, तो ये तो सही है आपका। पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवा देता है, ये भी सही है। उसके बाद में लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, ये सत्य होगा। चौथे नंबर का भी आपका सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। पाँचवे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सत्य सत्य को देख लें। और इसके बाद में यहाँ से आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रगलक, LU, यहाँ से आपको लिख लेना LU, इसके बाद में मीनियम, एल्यूमिनियम, और आगे आपको लिखना है प्रगलक, प्रगलक इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है। देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा बांग्लादेश में जीवन व्यतीत कर रही है, बांग्लादेश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख लें आप BMI का पूरा नाम क्या है। देखिएगा इसका पूरा नाम है शरीर द्रव्यमान मापक, शरीर इसके बाद में द्रव्यमान और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा मापक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, रंग भेद क्या है। तो देखिएगा रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्राच्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्राच्य किसे कहते हैं, भूमध्य सागर से पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से लिख लें, अल्लूरी सीताराम और यहाँ पर आपको लिखना होगा राजू। इसके बाद में आगे के इन प्रश्नों को देख ले क्या लिखे गए हैं यहाँ पर। समोच्च जुताई क्या है, मृदा मरुस्थली मृदा की दो विशेषताएं, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, और इसके बाद में ये आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इनको अच्छे से देख लें और इनको याद कर लें। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि मैंने यहाँ से आपको दिखा दिए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और इनको याद कर लें। टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से समझ लें। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।